ओके जी, तो आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास होता है क्या? तो हमारे पास इसके अंदर पहली पॉइंट ये है कि इन एसक्यूएल वी कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू एन अदर एग्जिस्टिंग टेबल। इसका मकसद ये है कि जब आपके पास एक टेबल से डेटा कॉपी करके आपको दूसरी जो ऑलरेडी बनी हुई टेबल है उसमें रखना हो, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब इसको करने के लिए कुछ आपकी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं या कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन कॉपी द डेटा रो फ्रॉम वन टेबल टू एन अदर न्यू टेबल। अब ये जो काम हम कर रहे हैं ना कि एक टेबल से डेटा कॉपी करो दूसरी के अंदर पेस्ट करो, ये काम हमारे पास सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट भी करती है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कौन सी है? इंसर्ट इनटू, सही है। और एक दूसरी कमांड है जिसका नाम क्या है? सिलेक्ट इनटू। अब सिलेक्ट इनटू आपकी क्या है? वो एक्चुअल में किसी भी डेटा को कॉपी करती है और जब भी पेस्ट करेगी वो नया टेबल बनाती है। क्या बनाती है? नया टेबल। लेकिन इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है? इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका एक टेबल से डेटा उठाती है, दूसरी टेबल बनी होती है फिर से नहीं बनाती, उसके अंदर डेटा पेस्ट कर लेती। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट के अंदर इसने कहा है कि कॉपी फ्रॉम सोर्स टेबल एंड टारगेट टेबल मस्ट हैव सिमिलर टेबल डेफिनेशन, सेम कॉलम्स विद सेम डेटा टाइप। यानी आप अगर एक टेबल से डेटा कॉपी कर रहे हैं उसके तीन कॉलम हैं तो दूसरी टेबल के भी कितने कॉलम होने चाहिए बेटा? तीन होने चाहिए। और अगर उन तीनों कॉलम का डेफिनेशन, डेफिनेशन से मकसद स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अगर तीन कॉलम है, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा वर्चार है, तो दूसरी टेबल में भी दो इंटीजर होंगे पहले कॉलम और लास्ट वाला वर्चार होना चाहिए, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बात रिकॉर्ड्स या रोज की नहीं कर रहा कि एक टेबल में पांच रिकॉर्ड है तो दूसरी में पांच रिकॉर्ड होने चाहिए, बात रोज की नहीं कॉलम्स की हो रही है। सही है कि तीन कॉलम है, आईडी, नेम, एज, सही है। दूसरी टेबल में भी तीन कॉलम होने चाहिए, भले कॉलम के नाम चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप सेम होने चाहिए। कौन सा क्लियर हो गया? कॉलम्स के डेटा टाइप जिस सीक्वेंस में गिवेन है उसी सीक्वेंस में आपकी दूसरी टेबल के स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। अच्छा जी, एन एग्जिस्टिंग रोज और रिकॉर्ड्स इन टारगेट टेबल रिमेन अनअफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल से डेटा कॉपी कर रहे हैं और दूसरी के अंदर पेस्ट कर रहे हैं। अब जिस टेबल में डेटा आप कॉपी करके पेस्ट करने जा रहे हैं उसमें अगर ऑलरेडी 15 रिकॉर्ड पड़े हैं और आप पांच रिकॉर्ड और कॉपी करके रखना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी 15 रिकॉर्ड है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? प्रैक्टिकली परफॉर्म करें इसे, सही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तकरीबन जो भी कॉलम होंगे उन तकरीबन कॉलम्स के जो भी रोज हैं उनको कॉपी करेंगे और दूसरी टेबल के अंदर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं और उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे। डेटाबेस हम इसको कह देते हैं टेस्ट कॉपी, डेटाबेस का नाम हो गया। इसी को सिलेक्ट करेंगे यूज कमांड के थ्रू F5। उसके बाद हमें एक टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल इंटीजर होगी, और सॉरी टेबल का नाम आप दे दें टेबल 1, और इसका कॉलम आईडी इंटीजर, सेकंड कॉलम में कर देता हूं नेम वर्चार, और तीसरा एज इंटीजर। सही है जी, ये आपके तीन कॉलम है टेबल 1 के अंदर। इसी तरह आपको दूसरी टेबल के अंदर बस नाम चेंज कर लेना है, कॉलम आपके डेटा टाइप सेम रहेंगे। अब आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं ना, सपोज STDID, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? पहले कॉलम का जो कॉलम का नाम है दूसरी टेबल में सेम कॉलम का नाम ना भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
इसी तरह दूसरे कॉलम का डेटा टाइप वर्चार है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वर्चार, नाम भले चेंज कर ले। इसी तरह यहाँ पे भी इंटीजर है तो वहां पे भी इंटीजर होना चाहिए, और आपके कॉलम का नाम चेंज हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही है जी। यहाँ आते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, वर्चार की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये हो चुका, क्रिएट करते हैं। दो टेबल क्रिएट हो गए बेटा। अब इनको सिलेक्ट करके देख ले दोनों के डेफिनेशन किस तरह से। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम टेबल वन, और अगेन वी हैव टू कॉपी पेस्ट टेबल टू। इनको चेक करते हैं कि इनकी क्रिएशन हो चुकी है। यस, आप देख सकते हैं दो टेबल विथ सेम कॉलम डेफिनेशंस बन चुकी है। सही है। अब पहली टेबल के अंदर हम कुछ डेटा रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। मैं यहां पे आता हूं, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं इसके अंदर। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है टेबल वन, वैल्यूज यहां पे आके आईडी वन, नाम अली, सेकंड आपकी एज ये दे दिया। इसी तरह आपने इसको कॉपी करना है और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दे। इसके पांच रिकॉर्ड बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अली वन, अली टू, अली थ्री, अली फोर, अली फाइव। एज है, आप एज को भी इसी तरह से कर लें, 21, 22, 23, 24। सेलेक्ट करें और इंसर्ट कर लें। तो टेबल वन के अंदर आपने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए बेटा? पांच रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। सही है। अब मैं चाहता हूं टेबल टू के अंदर भी एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट थी ना कि अगर जिस टेबल में डेटा पेस्ट करने जा रहे हैं उसमें भी अगर कोई रिकॉर्ड है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी टेबल खाली करके फिर उस टेबल के डेटा को रखेगा। कौन सा क्लियर है? तो मैं यहां पे एक रिकॉर्ड रख देता हूं जिसकी आईडी होगी वन और इसका नाम होगा अहमद वन और इसकी एज होगी 25। तो टेबल टू के अंदर अहमद के नाम से रिकॉर्ड पड़ा है और आप यहां से आके देख सकते हैं कि आपके पास डेटा किस तरह से शो हो रहा है, टेबल वन और टेबल। इनको सिलेक्ट करें और देखें बेटा, टेबल वन के अंदर आपको पांच रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अच्छा, हमने टेबल वन के अंदर ही कर लिया वो डेटा। चलें जी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल वन, वेयर ID is equal to, अच्छा नाम is equal to अहमद वन। तो मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूं। अब आप देखेंगे तो आपके पास टेबल वन के अंदर पांच रिकॉर्ड है, टेबल टू के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो यहां टेबल टू के अंदर एड करना था डेटा, हमने गलती से टेबल वन के अंदर एड कर दिया। कौन से क्लियर है बेटा? अब ये देखिए, ठीक हो गया कि हमने टेबल वन के अंदर पांच रिकॉर्ड रखे हैं। ये एज क्या होगी हमारी? सोर्स टेबल होगी। कौन सी टेबल होगी बेटा? सोर्स टेबल, जहां से डेटा उठाना है। और कहां रखना है? टारगेट टेबल के अंदर। तो टारगेट टेबल हमारी वो टेबल होगी जहां पे डेटा हमें पेस्ट करना है। इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल। अब टारगेट टेबल कौन सी होगी? टेबल टू, जिसमें डेटा को हमें रखना है। कहां से डेटा उठाना है? टेबल वन से। तो इंसर्ट इनटू टेबल टू, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल वन। सिंपल सी बात है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने कि सिलेक्ट करो डेटा कहां से, यहां से। तो सिलेक्ट कर लेगी टेबल वन और ये वाली क्वेरी सिर्फ क्या करेगी? इंसर्ट कर देगी किसके अंदर? टेबल टू के अंदर। कौन सा क्लियर हो गया? इसको सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कितने रिकॉर्ड इफेक्ट हो गए बेटा? 5 रिकॉर्ड्स। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स में से टेबल टू को सिलेक्ट करके सिर्फ देखें तो इसमें कौन से रिकॉर्ड पड़े? अहमद अपनी जगह पड़ा है, 5 रिकॉर्ड और एड हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा?
तो हम इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करते हैं टू कॉपी वन टेबल डेटा एंड पेस्ट इनटू ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल जो होगी उसी में डेटा रखना है, सही है। जबकि अगर आप इसका वाइस वर्सा देखें तो एक और टेबल या एक और क्यूरी होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, जिसका काम ये होता है कि हम एक टेबल से डेटा उठाते हैं, जब भी पेस करते हैं नया टेबल बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये इस तरह। अब यहां पे एक तो ये था कि हम सारे रिकॉर्ड या सारे कॉलम उठा रहे थे जिनको हमें पेस करना था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें मर्जी के नंबर ऑफ कॉलम उठाने हैं और वहां पे पेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कॉपी स्पेसिफिक रोज एंड रिकॉर्ड्स, देन यू गो विद दिस कमांड। तो मैं यहां आता हूं। अब मैं ट्रंकेट कमांड आपको पढ़ाई थी। ट्रंकेट का काम क्या होता है कि आपके पूरे टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको क्या कर देती है, वो खत्म कर देती है। ट्रंकेट टेबल टू, अच्छा जी, ट्रंकेट टेबल लिखना पड़ेगा और फिर आपको टेबल टू लिखना होगा, लाइक दिस एग्जीक्यूट। अच्छा जी, टेबल का नाम टेबल टू है, सॉरी ये ऐसे ही लिखना है, क्या मसला है, अच्छा जी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको टेबल लिखना है, यहां पे टेबल की ई हटा देनी है, नेमिंग कन्फ्लेक्शन, ओके जी डिलीट हो चुका। उसके बाद अब आपके पास डेटा दोनों टेबल में से, टेबल वन से डेटा अभी तक आपका एग्जिस्ट करता है और टेबल टू से आपका डेटा निकल चुका है, सही है। अब मुझे क्या करना है, टेबल वन के कुछ स्पेसिफिक दो कॉलम और जितने रिकॉर्ड आप चाहते हैं वो उठा के कहाँ पेस कर सकते हैं, दूसरी टेबल में रख सकते हैं। इसके लिए आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल, तो यहां पे कौन सी टेबल होगी, टेबल टू, उसके कौन कौन से कॉलम आप जिसमें डेटा रखना चाहते हैं, तो यहां पर होगा एस टी डी आई डी कॉमा एस टी डी नेम, यानी डेटा किस कॉलम्स में इंसर्ट करना है बेटा, आईडी और नाम के अंदर। दूसरा, अब यहां से भी क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आईडी और नाम। टेबल का नाम क्या है, टेबल वन, के टेबल वन से ये वाले दो कॉलम सिलेक्ट करो, कौन सा क्लियर हो गया, ये वाले दो कॉलम सिलेक्ट करो और किसके अंदर रखो, इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। चलें जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, 5 रिकॉर्ड। लेकिन एक चीज नोट करें, कौन सी, कि इसने अभी जो डेटा उठाया एज वाले कॉलम का नहीं उठाया, सिर्फ दो कॉलम का डेटा उठाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पे आके इस कमांड को फिर से चलाएं और आप देखें टेबल टू के अंदर कौन कौन सा डेटा गया है। तो टेबल टू के अंदर देखें, एज वाला कॉलम नल पड़ा, सही है। अच्छा, ये तो था स्पेसिफिक कॉलम उठाना, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठाने हो तो, यानी अभी तो टेबल वन के कॉलम दो आ रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड पांचों आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इनकी जरूरत पड़ेगी नीचे, मैं इसको कॉपी करके रख देता हूं और पहले ट्रंकेट करते हैं टेबल टू, टेबल टू को खाली करते हैं जी, हो चुका। अब मैं चाहता हूं इसी क्यूरी को कॉपी करके नीचे लाएं और यहां पे देखें, आप पहले कॉलम उठा रहे थे दो, ठीक है भाई आपने उठा लिए, यहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, वेयर आई डी इज लेस देन 4, हमने क्या लगा दिया, वेयर कंडीशन लगा दी ना बेटा, के वो वाले कॉलम उठाओ सिर्फ टेबल वन से जिनकी आईडी 4 से छोटी है। तो कितने रिकॉर्ड आएंगे, 1, 2, 3 आईडी तक, 4 और 5 नहीं आएंगे। सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। तो अभी देखिए 3 रिकॉर्ड आपके क्या हुए, इफेक्ट हुए, इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं कितने रिकॉर्ड आए हैं टेबल टू के अंदर, 3 रिकॉर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा,
तो आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी उठा सकते हैं, अपने मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम भी उठा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये सारे कॉलम जो दूसरी टेबल है उसके नलेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नलेबल। यानी ये देखो इसमें नल अलाउ है ना, नल वैल्यूज अलाउ है, इसीलिए नल वैल्यूज आपकी पड़ी है। लेकिन अगर इस कॉलम को वैल्यू देना मैंडेटरी होगा, नॉट नल अप्लाई किया जब आपने स्ट्रक्चर बनाया, सही है? इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, अगर वहां पे स्ट्रक्चर इस तरह का है तो दूसरी टेबल में भी स्ट्रक्चर उस तरह का। समझ में आ रहा है? यानी जब आपने टेबल्स क्रिएट किए बेटा, तब आपको यहां पे अगर आप चाहते ना कि आईडी को नॉट नल करना है, यानी आईडी में कभी भी नल वैल्यू नहीं देंगे आप, सही है? इसी तरह आपको दूसरे कॉलम में भी क्या बता देना है, नॉट नल, यानी अभी नल वैल्यूज अलाउ है ना बेटा, तो आपको तीनों कॉलम के अंदर नॉट नल, फिर दूसरी टेबल में भी क्या बताना पड़ेगा, नॉट नल, कि आपको इन तीनों कॉलम की वैल्यू देना लाजमी है। इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? तो याद रहे कि अगर पहली टेबल का स्ट्रक्चर में नॉट नल है तो दूसरी में भी क्या होना चाहिए, नॉट, सही है? स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, वरना ये आपके पास मसला आता रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया।